हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। फ्रेंड आज मैं बात करने वाला हूँ एचपी के 255G लैपटॉप के बारे में। फ्रेंड इसके अंदर हम अपग्रेडेशन करने वाले हैं रैम एंड एसएसडी के बारे में कि किस तरह से लैपटॉप के अंदर हम जो रैम एंड जो एसएसडी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि जो लैपटॉप है फ्रेंड इंडिकेटेड में 8GB रैम के साथ देखने को मिलता है, बट हम मैक्सिमम 16GB तक का जो रैम है वो अपग्रेड कर सकते हैं। एंड बाई डिफॉल्ट जो है ये हमें 1TB हार्ड डिस्क के साथ देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड हम इसके अंदर 256GB का जो M2 SSD है वो भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपग्रेडेशन। तो फिर सबसे पहले हमें लैपटॉप के जो सारे स्क्रूज़ है वो रिमूव कर देने हैं। एंड इसके रबर स्ट्रैप के नीचे भी हमें कुछ स्क्रूज़ देखने को मिलेंगे, वो भी जो है हमें इजीली रिमूव कर देने हैं। स्क्रूज़ रिमूव होने के बाद फ्रेंड वन साइड से हमें लैपटॉप का जो बॉडी है वो ऑफ करना है। एंड देन अदर साइड से भी इसके जो लॉक्स है वो हमें इजीली रिमूव कर देने हैं। एंड सारे लॉक्स अनलॉक होने के बाद जो बैक कवर है वो आप इजीली जो है वो अप कर सकते हैं। अप करने के बाद देख सकते हैं कि फ्रेंड हमें हार्ड डिस्क SSD एंड जो सारे स्लॉट्स है वो देखने को मिलते हैं। उसी जगह पर जो है इजीली जो SSD एंड जो रैम जो है अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर SSD लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड एडाटा की 256GB की जो SSD है वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड अगर आप रैम अपग्रेडेशन के बारे में बात करो तो कोई भी आप DDR4 2666 MHz की जो रैम है वो आप इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर सपोर्टेबल है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और भी अगर आपको हमारे तरफ से न्यू रैम अपग्रेडेशन के वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग के बारे में जानना हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर टेक वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।